मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। मैं एडवोकेट मेघा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, आज के सेशन में मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आजकल बड़ा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। आप सबने सोशल मीडिया तो चलाते ही हो, सब चलाते हो, और करंट अफेयर्स भी आजकल पढ़ ही रहे हैं सब, और न्यूज़ में आजकल दिन रात ये चीज़ फ्लैश हो रही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ हॉस्टलर्स की, कुछ स्टूडेंट्स की, जो गर्ल स्टूडेंट्स थी, उनकी कुछ वीडियोस लीक हुई हैं। तो ऐसे में उन लड़कियों के साथ जो हुआ हुआ है, उनके साथ हमारी सिंपैथी है, बट अगर इन फ्यूचर आप, मैं या कोई और, उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे कौन से लॉज हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं और हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? आजकल सबके फ़ोन में हम कैमरा है, सब अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है हमारे फ़ोन में जो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। और बीइंग अ वुमेन, मेरे भी फ़ोन में कुछ ऐसा होगा जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। वो अगर लीक हो जाएंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा और मैं उस चीज़ को मिटाने के लिए भागूंगी कि डिलीट कर दूंगी, कि मुझे डिलीट करना है, मुझे किसी को नहीं दिखाना। तो आप उन चीज़ों को डिलीट करने की बजाय उसको आराम से सोचिए कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा फ़ोन है जो, उसके अंदर हमारी बहुत सी वीडियोस होती हैं या फिर पिक्स होती है, हमारी भी होती है, हमारे फ्रेंड्स की भी होती हैं। तो ऐसे में अगर कोई वीडियो लीक हो जाए या कोई फ़ोटो लीक हो जाए, या वो फ़ोटो किसी भी टाइप की हो, बेशक से न्यूड्स ही क्यों ना हो, और बच्चों की, स्पेशली फीमेल चाइल्ड की, या फिर ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता कि उनके साथ, उनके वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है इतनी, और उनकी कोई फ़ोटोज़ लीक कर दे या क्लिक करके उनके पेरेंट्स के या उनकी गार्जियन की परमिशन के बिना इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे, ऐसी जगह पे डाल दे, तो हम क्या करेंगे? तो उनके लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले कि वो लीक कैसे हुई, उनके पीछे का कारण क्या है। दूसरा, हम क्या स्टेप्स और क्या एक्शन ले सकते हैं उन लीक वीडियोस को रोकने के लिए, उनके फर्दर स्प्रेड के लिए। और तीसरा है कि ऐसे कौन से लॉ हैं जिनसे हम, जिनका इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, या फिर जिसने ऐसा किया है उसको कैसे पनिश कर सकते हैं, और इन केसेस में, इन सेंसिटिव मैटर्स में हम कैसे कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, कैसे अथॉरिटीज़ को बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, या किसी और के साथ, हमारे किसी दोस्त के साथ या हमारे किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। चलिए हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, हाउ दे गेट लीक। इसके दो ही आंसर है कि ये फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कैसे लीक हो सकती हैं। पहला है कि हमने अपनी कोई फ़ोटो अपने फ़ोन में स्टोर कर रखी हो, और वो फ़ोन है जो, वो किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग गया जिसने उन फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल किया और उसने लीक कर दिया। दूसरा है कि हमने अपनी कोई फ़ोटो एक ऐसे इंसान को जिस पे हम ट्रस्ट करते थे, जिसके, जिस पे हमारा फुल फेथ था, हमने उसको शेयर करी हो और उसने आगे कहीं लीक कर दी है। मैं एग्जांपल भी दे सकती हूँ आपको इसका, एक एग्जांपल था भी कि एक लेडी थी, वो कहीं जा रही थी, रास्ते में उसका फ़ोन गिर गया था, तो जिस इंसान को वो फ़ोन मिला, उसने उस फ़ोन में से उसकी जितनी भी फ़ोटोज़ या वीडियोस थी वो निकाल ली, एंड देन बाद में उसने उस औरत को कॉन्टैक्ट करके उसका फ़ोन रिटर्न कर दिया। उसके बाद वो जो फ़ोटोज़ और वीडियोस थी उसने उसको सोशल मीडिया पे या बहुत सारी साइट्स से उन पर लीक कर दिया उन फ़ोटोज़ को, और जब उस औरत ने उनको देखा तो वो मेंटली डिप्रेस्ड हो गई, एंड देन शी कमिटेड सुसाइड। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, उल्टा हमें इस चीज़ का जवाब देना है कि हमें कैसे इन चीज़ों से लड़ना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रही है, हमें उसकी ज़रूरत भी है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बट इस एडवांटेजेस के साथ हमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि आप सामने टॉपिक से ही पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़े से मेजर्स लेने पड़ेंगे। चलिए अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स एंड एक्शन यू कैन टेक। अब हमारी फोटोज लीक हुई हैं, हमारी वीडियोज लीक हुई हैं, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना,
गलती किसकी है? सामने वाले की, जिसने वो लीक की है, जिसने हमारी परमिशन के बिना, हमारे ना चाहते हुए भी उसको सोशल मीडिया हैंडलर पे या कहीं पे भी उनको लीक कर दिया, उन पे डाल दिया। तो इसमें हमें पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोई भी हो, उनको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। जो पेरेंट्स है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बाहर की सराउंडिंग से, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसी यूनिट है जो भगवान ने हमें दी है कि हमें कितना ही कोई बाहर वाला परेशान करे, वो हमें उनसे बचाते ही बचाते हैं। तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करें, डरना नहीं है, उनसे बात करें, उनसे बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है। मे बी वो हमें डांटेंगे, थोड़ा मारेंगे, बट वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है कि आप अपने किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं जो बिल्कुल उस चीज़ को जानता हो, समझता हो, और उसको इस कंटेक्स्ट में थोड़ी नॉलेज हो कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और तीसरा है कि हमें वो वीडियोस और वो फोटोज जहाँ पे हमें दिख रही हैं कि किसी सोशल मीडिया पे है या फिर कहीं पे डाली हुई है, एक्स वाई जेड कोई भी वेबसाइट हो सकती है, हमें उसको डिलीट ना करके उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं एज अ एविडेंस, या हमें एक जगह पे इकट्ठा करना है कि कल को वो हमारे सबूत काम आए, जिसने वो चीज़ की है उसके अगेंस्ट हम यूज़ कर सकें। लास्ट है कि हमें एक कंप्लेंट फाइल करनी है, एक कंप्लेंट एक कंपीटेंट अथॉरिटी के पास। ये नहीं कि हम कहीं पे भी सोशल मीडिया पे ही डाल देंगे कि भी हमें मदद कीजिए, ये कीजिए, नहीं, एक कंपीटेंट अथॉरिटी के पास हमें जाना है और उनसे हेल्प लेनी है। चलिए अब देखते हैं कि ये कंप्लेंट्स कैसे हम फाइल कर सकते हैं। ये कंप्लेंट, इनको फाइल करने के लिए हमें पहले, सबसे पहले है कि हमें साइबर सेल जाना है। साइबर सेल हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, जो स्पेशली साइबर मैटर से डील करता है। ये स्पेशली एस्टैब्लिश किया गया है उन विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए जिनके साथ सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी साइबर क्राइम्स हुए हैं। अगर उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कहीं पे साइबर सेल नहीं है या फिर कहीं बहुत दूर है और आपको इमीडिएट कंप्लेंट फाइल करनी है, देन आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अगर ना साइबर सेल हो, अगर और पुलिस स्टेशन वाले में आपके केस में इंटरेस्ट ना दिखा रहे हो और उनको लगता है कि मैटर सीरियस नहीं है, बट वो मैटर सीरियस है, तो आप नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की हेल्प ले सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन अलग से एक बॉडी एस्टैब्लिश है जो वीमेन्स के राइट्स के लिए काम करती है। उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा क्राइम होता है किसी भी एरिया के अंदर, तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, ये उनकी हेल्प करता है। ये खुद से भी इन्वेस्टिगेशन करता है कि ऐसा कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो वो विक्टिम को पुलिस स्टेशन पे लेके जाता है और उनकी कंप्लेंट और FIR लॉन्च कराता है। दूसरा उसके बाद आता है कि आप सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, आप इनको एक मेल डाल सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनको अपनी बता सकते हैं प्रॉब्लम कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ताकि ये आपकी हेल्प कर सके और वो जितना भी मटेरियल है, जितना भी वो कंटेंट है जो आप नहीं चाहते हो कि वायरल हो, उसको आप क्या कर सकते हो, उनकी हेल्प से उसको बंद करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो या फिर उसको रोक सकते हो, ठीक है। और जो ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, इन तीनों जगह पे आपकी हेल्प करता करता है और आपको बताता है कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये जो नेशनल कमीशन है, ये 36 आवर्स के अंदर, विद इन 36 आवर्स ये आपकी कंप्लेंट लॉन्च कराने में आपकी हेल्प करता है। और ये जो रूल्स हैं हमारे, मतलब जो हमने अभी डिस्कस करा है, इन सबको रोकने के लिए हम काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं ऐसे जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे इन इस केस के अंदर, विक्टिम से विक्टिम को फेवर करेंगे और जिसने ये गलती करी है उसको बचाने के लिए, सॉरी विक्टिम को बचाने के लिए, और जिसने ये गलती करी है उसको हम कैसे सजा दिलवा सकते हैं, कैसे उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। पहला है, दो एक्ट्स है जो हमें हेल्प करते हैं, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और दूसरा है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड का आपको पता ही है, इट्स अ पिनलाइजिंग स्टेट्यूट, इसके अंदर पनिशमेंट्स बना रखी हैं कि कैसे कैसे इस ऑफेंस में हमें कैसे पनिशमेंट मिलेगी, कितने साल की मिलेगी और किस तरीके से मिलेगी, और इसमें कैटेगराइज करा गया है कि कौन सा ऑफेंस कैसे है, कैसे नहीं है।
ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 354C। ये जो सेक्शन है ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद आया है। इसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी औरत, एनी पर्सन, किसी भी औरत की कोई भी वीडियो या फिर कोई भी फोटो कैप्चर करता है और उसको लीक करता है किसी भी सोशल मीडिया पे उस औरत की परमिशन के बिना, और जब वो औरत अपने किसी पर्सनल स्पेस में है, पर्सनल स्पेस का यहाँ पे मतलब है वो नहा रही है, वॉशरूम में है या फिर अपने रूम में बैठी है जहाँ पे कोई नहीं है, और उसके परमिशन के बिना उसकी वीडियोस को वो बनाता है और लीक करता है, फोटोज लेता है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है और उसको एक साल और एक साल से ज्यादा की सजा मिलेगी, जो जाकर 3 साल तक हो जाएगी, और उसको फाइन भी लगाएंगे। लेकिन 1 साल तो कम से कम पनिशमेंट है, उससे कम नहीं मिलेगी। उसके बाद है सेक्शन 500। सेक्शन 500 डिफेमेशन के लिए हमें पनिशमेंट के बारे में बताता है कि अगर आपकी रेपुटेशन या डाउन करने की कोशिश की जा रही है या आपको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके अंदर जिस पर्सन ने आपको डिफेम करने की कोशिश की है अगर वो लाइबल मिल पाया जाता है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 2 साल तक की, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की, और साथ में फाइन, और दोनों भी हो सकती है। उसके बाद है सेक्शन 504 के अंदर है कि जब आप किसी भी पर्सन का इंटेंशनली इंसल्ट करने की कोशिश करते हो और उसको प्रोवोक करते हो और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो, तो उसके अंदर भी उस पर्सन को जिसने ये किया है, आपको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या आपको प्रोवोक कर रहा है, उसको पनिशमेंट मिलेगी अप टू 2 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। उसके बाद आता है 506, सेक्शन 506। 506 को कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसमें है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने आपकी वीडियोस बनाई है या आपकी फोटोज लीक करी है और वो कल को आपको धमकी दे रहा है, आपको इंटिमिडेट कर रहा है कि मैं आपकी रेपुटेशन को और या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हार्म करूंगा या फिर आपके किसी लव्ड वन को, आपके किसी चाहने वाले को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा, आप ये करो वो करो मेरे लिए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तब आप सेक्शन 506 के अंदर उसको पनिशमेंट दिला सकते हो। अब बात करते हैं आईटी एक्ट 2000 की। आईटी एक्ट 2000 स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब एडवांस हो गई थी हमारी कंट्री में तब बना था, कि डे बाय डे हम डेवलप होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी हर तरफ फैल रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ उसके यूज़ है तो मिसयूज़ भी होंगे, तो उन मिसयूज़ को रोकने के लिए हमने कुछ सेक्शंस इंसर्ट करे आईटी एक्ट के अंदर। तो सेक्शन 67 कहता है कि अगर कोई भी आपकी फोटोज को या फिर ऐसा मटेरियल जो ऑब्सीन है और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसको लीक करता है तो उसको हम पनिशमेंट कैसे देंगे। तो अगर किसी भी इंसान ने आपकी फोटोज या फिर आपकी वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल दी हैं और वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब है किसी भी पेन ड्राइव में है या फिर आपके कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हम उसको देख या सुन सकते हैं उस वीडियो को या उस फोटो को, तो इसमें उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगी कितने साल की, 3 साल तक की उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, जिसके साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा या फिर फाइन और पनिशमेंट दोनों मिलेगी। अगर वो इंसान ये पनिशमेंट पाने के बावजूद भी दूसरी बार दोबारा से सेम ऑफेंस कमिट करता है तो पनिशमेंट हो जाएगी, क्या कहते हैं, 5 साल तक की, और जो फाइन होगा वो 2 गुना हो जाएगा, 5 लाख से वो 10 लाख हो जाएगा, सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद है सेक्शन 67A। सेक्शन 67A भी पनिशमेंट की ही बात करता है, किसमें, जब आप कुछ भी ऐसा पब्लिश कर देते हो या फिर ट्रांसमिट कर देते हो ऐसा मटेरियल जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होता है, जिसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो हमारे पर्सनल स्पेस से या सेक्सुअली डील करता है, तो और वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, सबसे बड़ी बात है ये सारी चीज़ें जितनी भी आईटी एक्ट के अंदर है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होनी ज़रूरी है, तो अगर वो इनको लीक कर देता है या उसको उनका मिसयूज़ करता है तो इसके अंदर आप उस पर्सन को जिसने ऐसा किया है उसको पनिशमेंट दिला सकते हो, और जो कोर्ट है उसको पनिशमेंट देगा
5 साल तक की उसको इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन लगेगा, और वो फाइन आगे जाके 10 लाख रुपए भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये 10 लाख रुपए सब्सिक्वेंट पनिशमेंट में हम काउंट करेंगे, और जो 5 साल की पनिशमेंट है उसको 7 साल कर दिया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 67 बी। सेक्शन 67 बी है जो वो स्पेशली डील करता है इससे, क्या कहते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। अगर किसी भी ऐसा बच्चा है 12 साल से छोटा है और उसको नहीं समझ है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कोई भी पर्सन XYZ मेल फीमेल कोई भी जो अडल्ट है उस बच्चे की वीडियोस या फिर उसकी फोटोज बनवाता है, उसको कहता है कि आप अपने कपड़े उतारिए या फिर आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और उस वीडियो को बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या कहीं पे भी जहाँ पे उसको लगता है कि उसका बेनिफिट हो रहा है उस इंसान का, और ऐसा वो बच्चे को उस बच्चे से करवाता है जिस बच्चे को समझ ही नहीं है, तो सेक्शन 67 बी उसमें उस इंसान को पनिशेबल करेगा और उस पर्सन को क्या कहते हैं पनिशमेंट मिलेगी। इसके अंदर स्पेशली जो सेक्शन 67 बी है इसके अंदर वो पर्सन जरूरी नहीं है कि वो उसको लीक ही करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी फॉर्म के अंदर कर सकता है उन वीडियोस को और उन फोटोज को, पेन ड्राइव है इवन पेपर पे भी प्रिंट करके भी उसको दे सकता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इस सेक्शन के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो होगा होगा डेटा, उसके अलावा डेटा किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसके अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद है सेक्शन 66 ई। सेक्शन 66 ई है वॉयलेशन ऑफ प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी। हमको सबको पता है कि आर्टिकल 21 के अंदर हमें मिला हुआ है राइट टू लाइफ का आगे सब पार्ट है कि राइट टू प्रिवेसी। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे पर्सनल स्पेस को फॉरबिड कर रहा है थ्रू कैप्चरिंग थ्रू रिकॉर्डिंग या फिर कैसे भी उन रिकॉर्डिंग को ट्रांसमिट कर रहा है किसी भी फॉर्म में या पब्लिश कर रहा है, तो उसको हम पनिशमेंट दिलवाएंगे और उसको आईटी एक्ट के अंदर और आईपीसी के अंदर दोनों के अंदर एक कंबाइन चार्जेस फ्रेम करवाएंगे और फिर उसको पनिशेबल कराएंगे, ठीक है। ये हमारा सारा थैंक यू आज का ये सेशन जो हमने डिस्कस करा, इसमें आप सबको समझ आ ही गया होगा कि ऐसे फेज में जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हमें लॉज की और जितनी भी एजेंसीज है या अथॉरिटीज़ है जो गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प के लिए बनाई है, स्पेशली विमेन के हेल्प के लिए बनाई है, तो उनका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी कैसे हेल्प ले सकती है। ऐसे फेज में हमें डरना नहीं है, उल्टा हमें डट के खड़े रहना है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस भी यही है कि हम जितना हो सके लोगों को जागरूक कर सके, उनको बताएं कि जब ऐसा कुछ हो जाता है तो सोसाइटी को उस पर्सन को ऐसे ना देखने की जगह उस पर्सन के लिए खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ये सब सामने वाले ने किया, सामने वाले की गलती है, और ऐसे को कैसे पनिशमेंट दिलवा सकते हैं उस चीज़ के लिए हमें काम करना चाहिए। Thank you everyone, thank you for today.